तो ये देखिए जो मिल्क केक बना है ये अंदर से कितना जूसी है और कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर है। बिल्कुल उसी तरह दो कलर का बना है, लाइट और डार्क, जैसा कि हलवाई बनाते हैं। तो ये देखिए इसका एक पीस हम तोड़ करके देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, और ये देखिए कितना दानेदार है। ये देखिए किस तरह का है इसका टेक्सचर। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं इस मिल्क केक का वीडियो। तो मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध लिया है। ये फुल फैट मिल्क है। अगर आपको ये फुल फैट मिल्क ना मिले तो आप मीडियम फैट भी यूज कर सकते हैं, बट उसका रिजल्ट थोड़ा सा वेरी करता है। और साथ ही यहाँ पर नींबू लिए हैं, क्योंकि आज मैं जो मिल्क केक है वो नींबू से बनाऊंगी। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मिल्क केक बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें दूध को सबसे पहले रिड्यूस करना होगा। तो ये 2 लीटर दूध है, इसको हम रिड्यूस करेंगे। आप इसके लिए पैकेट वाला दूध भी यूज कर सकते हैं अगर आपको ताजा दूध ना मिले। और यहाँ पर मलाई उतरा हुआ दूध बिल्कुल नहीं लेना, यहाँ पर फुल फैट मिल्क चाहिए, ताजा दूध चाहिए। मलाई ऊपर से अलग हुई हो तो वो मिल्क वर्क नहीं करेगा, उतने अच्छा मिल्क केक नहीं बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ताजा दूध है 2 लीटर, इसको हम रिड्यूस होने के लिए रख देंगे और लगभग तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक कि 1/3 ना रह जाए। तो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूंगी। और तीसरी चीज जो इसमें जाएगी वो है चीनी, और चौथी घी। बस 4 चीजों की ही जरूरत है हमें मिल्क केक बनाने के लिए। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप घर पर बनाएंगे तो आपको मिलावट का भी डर नहीं रहेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। तो सबसे पहले हम दूध को बॉयल होने देंगे, इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये जो दूध है वो नीचे से लगे नहीं। दूध बॉयल हो चुका है, अब हम इसे तब तक पकाएंगे गैस को मीडियम करके जब तक कि ये रिड्यूस नहीं हो जाता। ये काफी लंबा प्रोसेस है, शुरू शुरू में तो आप इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिड्यूस होने लगेगा आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। तो ये देखिए इसे 10 मिनट हो चुके हैं रिड्यूस होते हुए। आप देख सकते हैं साइड पर इसके ये यहाँ पर मलाई जो है वो जमने लगी है। तो इसको हम इसी तरह से इसको स्क्रेप करके इसको इसमें बीच में मिलाते रहेंगे, जो एक बहुत ही बढ़िया दानेदार टेक्सचर देगा इसको। और ध्यान रखें कि जो भी बर्तन ले वो मोटे तले का हो ताकि इसमें ये नीचे से लगे नहीं। तो इसको 15 मिनट तक रिड्यूस होने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये रिड्यूस होकर लगभग आधा रह गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये हल्का सा येलोइश टोन पर आने लगा है। ये देखिए अभी काफी रिड्यूस हो गया है, बट उतना भी नहीं हुआ कि हम आगे इसका प्रोसेस कर सके। थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ाकर लगातार चलाते हुए हम इसे लगभग 1/3 होने तक पका लेंगे। तो हम इसे साथ साथ स्क्रेप करते हुए इस तरह से चला लेंगे। तो मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद दिखाती हूँ कि कितना हो गया है। तो ये देखिए दूध पककर के लगभग 1/3 रह गया है, यानी कि आधे से भी कम हो चुका है। कुछ इस तरह का टेक्सचर है इसका। ये देखिए यहाँ पर आपको दाने दाने नजर आ रहे हैं। तो ये काफी थिक हो चुका है और कलर भी चेंज हो चुका है। तो जैसे ही ये 1/3 रह जाएगा हम इसमें नींबू का रस डालना शुरू करेंगे। उससे पहले हम इसकी सारी साइड्स जो है वो स्क्रेप कर लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। तो अच्छे से इसका जो मलाई है यहाँ पर साइडों पर लगी हुई, उसको इसी दूध में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गुलाबी टोन पर हो गया है, पिंकिश, जैसा कि मावे के बनाने के टाइम होता है। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालेंगे, क्योंकि हमें इस दूध को फाड़ना नहीं है, जस्ट इसमें दानेदार टेक्सचर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पहले मैंने 1/2 चम्मच डाला है, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 1/2 चम्मच नींबू का रस और डालेंगे, ये खाने वाला छोटा चम्मच है। आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, आपको दिखने लगेगा जैसे ही वो दानेदार टेक्सचर आ जाएगा तो आप नींबू का रस डालना बंद कर दें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा थिक दानेदार बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो मैंने 1 चम्मच नींबू का रस डाला है अभी, तो इसमें 1/2 चम्मच और डाल दूंगी। आप यहाँ पर नींबू के रस की जगह पर यहाँ पर फिटकरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने पहले फिटकरी से ही बनाया था, बट कई लोगों को फिटकरी समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नींबू के रस से बनाया। बस नींबू डालते हुए इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें, धीरे धीरे काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। 1/2 छोटा चम्मच रस और डाल देंगे। तो यहाँ पर कुल 2 चम्मच नींबू के रस के डाले हैं मैंने यहाँ पर। कुछ इस तरह का दानेदार टेक्सचर चाहिए हमें। आप देख पा रहे होंगे कि ये कितनी तेज़ी से गाढ़ा हो रहा है अब, और अब इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, इसको कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पर हमने 300 ग्राम चीनी ली है, हर 1 किलो दूध के लिए 150 ग्राम चीनी इस्तेमाल करेंगे। ये हलवाई का मेजरमेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखें।
आप चीनी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो डार्क कलर आता है वो चीनी के कारण ही आता है, तो इसलिए चीनी को कम ना करें। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालेंगे 2 से 3 बार में। तो पहले मैं थोड़ी चीनी डाल दूंगी, गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी और मिक्स होने दूंगी चीनी को अच्छे से। जैसे ही हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो ये चीनी पिघलने से पतला हो जाएगा, बट घबराएं नहीं, इसको कंटिन्यूसली चलाते रहें, ये अपने आप ही गाढ़ा होने लगेगा। तो इसको पहले थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, उसके बाद इसमें बाकी की चीनी ऐड करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा होने लगा है फिर से, तो मैं इसमें थोड़ी चीनी, मैं 3 बार में इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। एक बार में ना करें, अदरवाइज आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे ये फटने लगा है, तो इसलिए 2-3 बार में ही ऐड करें। आप देख सकते हैं कि ये जो मिल्क केक है उसका टेक्सचर आने लगा है, बट इसमें हम चीनी को अच्छे से मिक्स हो जाने देंगे और इसको दोबारा से गाढ़ा होने देंगे, लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फिर से गाढ़ा होने लगा है, तो अब हम इसमें ये जो बची हुई चीनी है ये भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर पूरी 300 ग्राम चीनी डाल दी है और इसको फिर से पकाएंगे ताकि ये फिर से गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं गोल्डन से कलर में आने लगा है, तो ऐसा चीनी के कैरमलाइज होने से होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको चीनी के साथ पकाएंगे इसका कलर चेंज हो जाता है। बस ध्यान रखें इसमें से काफ़ी छींटे उठते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पकाएं, लगातार चलाते रहने से इसमें से कम छींटे लगेंगे आपको। और आप चाहें तो इस तरह से ढक लें हल्का सा और उसके बाद इसको लगातार चलाते रहें। आप देख सकते हैं इसमें से बबल्स से उठ रहे हैं, तो हम इसमें घी ऐड करना शुरू करेंगे, गैस का फ्लेम कम कर देंगे। तो इसमें हमें कुल 50 ग्राम घी ऐड करना है, देसी घी। तो यहाँ पर पहले मैं 1 चम्मच डाल दूंगी, 1-1 चम्मच करके डालेंगे। आप 50 से 60 ग्राम तक घी ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे घी जो है वो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा इसमें, क्योंकि इसमें सारा घी एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब हम 1 चम्मच और डाल देंगे, धीरे धीरे और गाढ़ा होने लगेगा। 1 और चम्मच डाल देंगे, इसको फिर से पकाएंगे। देखिए इसमें कोई भी घी नज़र नहीं आ रहा है, तो अब हम इसमें ये लास्ट का बचा हुआ घी भी डाल देंगे। आप 50 से 60 ग्राम तक घी डाल सकते हैं इसमें, हर 1 किलो पर 30 ग्राम घी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैंने यहाँ पर कुल 60 ग्राम घी ऐड किया है। ये देखिए जैसे जैसे फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच रहा है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह का टेक्सचर होता जा रहा है। बस इसको लगातार चलाएं ताकि ये नीचे से लगे नहीं। ये देखिए मैंने इस समय पर गैस का फ्लेम लो कर दिया है और मैं इसको जिस भी कंटेनर में हमें डालना है उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और कोशिश करें कि थोड़ा डीप कंटेनर लें इसके लिए। तो उसे हमें ग्रीस करना है और दूसरा एक कोई मोटा कपड़ा लेना है जिसमें कि हम इसे लपेट कर रख सकें, जिससे इसका जो बीच का पार्ट है वो डार्क निकल करके आए। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे। मैं यहाँ पर इलायची के दाने डाल रही हूँ, मैंने 5-6 इलायची को कूट लिया था। इसको मिक्स कर देंगे, गैस बंद कर देंगे। इसको पोर करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह कंटेनर लिया है, ये सिल्वर का है, आप इसकी जगह स्टील का ले सकते हैं। मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी और उसके बाद इसको चारों तरफ से ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास कोई ढक्कन वाला कंटेनर हो तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ इस तरह का लेड वाला है ये, तो मैं इसी में डाल दूँगी। तो ये देखिए गरम गरम मिल्क केक का जो मटेरियल है वो हम इसमें डाल देंगे। अब इसका दानेदार टेक्सचर जो है वो देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप कितना गर्म है ये। इसी तरह से हल्का सा स्पैचुला से फ्लैट कर लेंगे, तो मैं इसको इसका ढक्कन लगा दूँगी। ये देखिए ये काफ़ी गर्म है, तो ध्यान से लगाएं। मैंने इसे यहाँ पर कवर कर दिया है, अब हम इसे किसी कपड़े में लपेट करके रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पुराना टॉवल ले लिया है, किचन टॉवल है ये। ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं इसे पहले इस टॉवल में लपेटूंगी। यहाँ पर इस पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी लग गया है, तो इसी तरह का कोई पुराना कपड़ा लें जिससे कि अगर कुछ लग भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कोई पुरानी बेडशीट भी यूज़ कर सकते हैं, और सर्दियां हैं तो आप इसे किसी ब्लैंकेट में भी लपेट सकते हैं। तो मैं इसे इसी तरह से कवर करके रख दूंगी, पूरी रात इसी तरह रहने दूंगी और मॉर्निंग में मैं इसे चेक करूंगी। तो मैं आपको सुबह दिखाती हूँ कि कैसा बना है ये मिल्क केक। ये देखिए इसे सुबह हो चुकी है, ये देखिए यहाँ पर मिल्क केक ठंडा हो चुका है, तो हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे। वाओ,
देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार है। आप देख सकते हैं ये देखिए किस तरह से दानेदार दिख रहा है। और मुझे यहाँ फील हो रहा है कि यहाँ ऊपर की तरफ कलर जो है लाइट है और बीच से कलर डार्क है, तो हम इसे निकाल लेंगे। पहले मैं हल्का सा नाइफ इसकी साइड्स पर, वाओ देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल करके आया है। थोड़ा सा मिलके कि हाँ एजेस पर चिपका रह गया है, बट नो वरीज, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्सचर है इसका। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए बीच से आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कलर जो है डार्क है और साइड्स में इसका कलर लाइट है, तो मैं इसकी सभी पीसेस कट कर लूँगी। तो ये देखिए जो मिल्क केक बना है ये अंदर से कितना जूसी है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जूसी है और कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर है। बिल्कुल उसी तरह दो कलर का बना है, लाइट और डार्क, जैसा कि हलवाई बनाते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, आप जितना बड़ा पीस चाहे उतना कट कर सकते हैं। ये देखिए बीच से इसका कलर डार्क है, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से डार्क है और यहाँ पर लाइट है। तो मैं इसके इस तरह से लंबे पीसेस कट कर लूँगी। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना दानेदार है, कितना बढ़िया बना है ये। तो इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस कट करके प्लेट कर लूँगी। मैं इन स्लाइसेस को थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर लूँगी। देखिए थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगा देंगे हम इस पर। तो ये देखिए घर का बना हुआ मिल्क केक रेडी है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और दानेदार बना है। ये देखिए इसका एक पीस हम तोड़ करके देख लेंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और ये देखिए कितना दानेदार है। ये देखिए किस तरह का है इसका टेक्सचर। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस यहाँ पर कुछ टिप्स का ध्यान रखना है कि नींबू का रस जरूर से ज़्यादा ना यूज़ करें, आप जो दूध लें वो ताज़ा हो, फुल फैट हो, घी का इस्तेमाल जो है वो देसी घी का करें तो बहुत बढ़िया बनेगा मिल्क केक। और साथ ही इसको ओवर कुक ना करें, बस एक सर्टेन पॉइंट तक कुक करें, जहाँ तक मैंने आपको दिखाया है, तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा, बिल्कुल इसी तरह का बनेगा, बीच में से डार्क और साइड से लाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।